पी भी बाई एन आर टी, ये वन होगा। अभी जैसे ही हम बोलते हैं वन, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आता है, सर इसमें नया बात क्या है, हम तो जानते ही हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है सर, इसका मतलब हो गया पी वी बाई एन आर टी, दोनों अनिकेत आ गया है। सोलह हो गया, एक कौन बढ़ गया, अनिकेत, दोनों है, नहीं, अनिकेत दोनों आ गया, चलो ठीक है, 17 हो गया। हाँ देखो, तुमको लगेगा कि सर हम तो जानते ही है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, यहाँ से पी वी बाई एन आर टी कर दें, ये तो वन होना ही होना है, नहीं कैसे वन होगा। देखो इसको ऐसे मत सोचो कि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है इसलिए पी वी बाई एन आर टी कर रहे हैं। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक वेशे लिखते हैं, एक सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है। सर ये जेड नॉट इक्वल टू वन ना होता है इसमें, पी वी इक्वल टू इनर्टी रियल गैस में क्या होता है, जेड नॉट इक्वल टू वन, जेड नॉट इक्वल टू वन, यस सर, और आइडियल गैस में जेड इक्वल टू वन होता है। हम क्या लिखे हैं सर, आप लिखे पी वी नॉट इक्वल टू एन आर टी रियल गैस में, हाँ थोड़ा पढ़ा लेने दो, मतलब थोड़ा सा पढ़ा लेने दो ना, टीचर है ना, थोड़ा सा तो ज्यादा जानते ही होंगे। नहीं सर अभी आए इसलिए हम पूछ रहे थे, मतलब कि हम सही कह हाँ रहे हैं कि ठीक, नहीं। तुम भी सही कह रहे हो और हम भी सही लिखे हैं, है ना। देखो यस सर, ये कोई वेसल है, वेसल के अंदर गैस है, इसके अंदर गैस, पहले ही हम डरा है रियल गैस है, थोड़ा सा टफ है तो हर चीज को बढ़िया से समझना है। इसके अंदर गैस है, ऑफ कोर्स पिस्टन यहाँ रुका हुआ है, इसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ है, पिस्टन यहाँ रुका हुआ है, तुमको क्या करना है, इसके अंदर का प्रेशर मेजर करना है, कैसे भी मेजर कर लो, बैरोमीटर से या किसी से भी, प्रेशर पता हो गया, अब तुमको वॉल्यूम भी तो पता है, ये वॉल्यूम सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का ये बेस, किस बेस का एरिया क्या है, हाइट क्या है, गैस का वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ही निकल गया। मेजर करके वेसल का वॉल्यूम निकालना है, किसी फॉर्मूले से वॉल्यूम नहीं निकालना है, और इसके अंदर मोल है, एन मोल गैस का है, और ये सब कुछ किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है। अब हम इस सब वैल्यू को यूज करके क्या करेंगे, हम पी वी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी वी हो गया, पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी कर दिया हमने, एन नंबर ऑफ मोल, टी टेम्परेचर और आर यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। तो यूजुअली क्या होना चाहिए, ऐसा किए हैं तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से पड़ा हुआ है चीजें कि पी भी तो एनआरटी के बराबर होता है, लेकिन पी भी एनआरटी के बराबर होता है, एक मिनट वीडियो ऑन करने दो मेरे को, पी भी एनआरटी के बराबर होता है इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ये नहीं मेरे को पता, हमको नहीं पता कि पी वी एन आर टी के बराबर होता है या नहीं होता है, हम सिंपली इसका प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर का डेटा हमारे पास है, पी वी को डिवाइड किए एन आर टी से, और देखते हैं वन आता है या कुछ और आता है, कुछ केसेस में वन आ जाएगा, कुछ केसेस में ये वन नहीं आएगा, मतलब पी वी बाई एन आर टी वन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वन से बड़ा कुछ वैल्यू आ जाएगा या वन से छोटा कुछ वैल्यू आ जाएगा, वन नहीं आएगा। जब जब पी वी बाई एन आर टी का वैल्यू वन होगा, हम बोलेंगे इसके अंदर जो गैस है
वो कैसा गैस है? आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। जब जब पीवी बाई एन आर टी का वैल्यू वन नहीं होगा, हम बोलेंगे इस वेसल के अंदर जो गैस है वो कैसा गैस है? रियल गैस, रियल गैस। कई बार तो ऐसा होगा, समझना, कि यही वेसल है, इसके अंदर वाला ही गैस है, सब कुछ यही है, केवल का किया कि इस पिस्टन के ऊपर जो एक वेट रखा हुआ था, अब इसके ऊपर 10 केजी का वेट और डाल दिया, तो वैसे केस में पिस्टन किधर आ जाएगा? नीचे आ गया, आ गया। गैस वही है, पिस्टन भी वही है, सिलेंडर भी वही है, सब कुछ वही है, केवल बदल क्या गया है, वॉल्यूम बदला है, प्रेशर बदला है ना, टेम्परेचर भी वही रखा गया है। अब इस कंडीशन में जब पी इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा उसको हम मेजर कर लिए, वो प्रेशर बाय द वे पी है, इसका वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम का कुछ वैल्यू आएगा, पहले से कम आएगा, प्रेशर का वैल्यू कुछ आएगा, पहले से ज्यादा आएगा, मोल तो वही रहेगा, टी टेम्परेचर भी वही रखा गया है। ऐसे केस में पीवी बाई एनआरटी निकालो, और ये जो पीवी बाई एनआरटी आएगा, ये तुमको क्या लग रहा है? पहले यहां पे जब पीवी बाई एनआरटी निकाले थे तो वन आया था, इससे हम डिसाइड किए कि इसके अंदर का गैस कैसा गैस है? आइडियल गैस, आइडियल गैस। वही गैस है अभी, केवल पिस्टन के ऊपर ब्लॉक बड़ा बड़ा रख दिए हैं, पिस्टन नीचे आ गया है, और अब इस नए कंडीशन में पीवी बाई एनआरटी निकाल रहे हैं, तो ये बन आ जाएगा। तब तो अच्छी बात है, पहले भी आइडियल था, अभी भी आइडियल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अब पीवी बाई एनआरटी बन ना आए, मतलब अब ये गैस कैसा हो गया? रियल गैस। इसका क्या मतलब है? कि गैस तो वही है सर, पहले उसी को आइडियल बोल रहे थे, अब उसी को क्या बोल रहे हैं? रियल बोल रहे हैं। एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा बात है, जैसा तुम लोग करते हो क्लासरूम में, जैसे अभी तुम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स को बिठा दिया जाए तुम्हारे स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के सामने, तो तुम आइडियल हो जाओगे, और जब गेट लॉक करके पेरेंट्स बाहर निकले हो, कहीं घूमने गए हो, या कहीं भी बाहर गए हो, तुम अकेले घर में हो, तो तुम रियल होगे। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वो तो तुम ही, बट एक एक कंडीशन में आइडियल हो और एक कंडीशन में रियल हो। तो कोई भी गैस हर वॉल्यूम प्रेशर पे, हर कंडीशन में आइडियल नहीं होता है, एक पार्टिकुलर रेंज में आइडियल होता है। कुछ कुछ गैस का रेंज ये बड़ा होता है, मतलब ज्यादातर कंडीशन में आइडियल होता है, और कुछ कुछ का ये रेंज छोटा होता है। जैसे स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स को आइडियल बनाने के लिए बड़ा भाई ही काफी है, बड़ा भैया है, उनके सामने भी तुम आइडियल रहोगे, मम्मी के सामने आइडियल रहोगे, पापा के सामने आइडियल रहोगे, टीचर के सामने आइडियल रहोगे। लेकिन तुम ही में से कोई ऐसा भी है जो भाई को तो समझेगा नहीं, मम्मी को तो समझेगा नहीं, वो केवल पापा का ही सुनेगा, वो पापा रहेंगे तभी वो आइडियल रहेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? है ना, मतलब कोई भी गैस, मतलब ऐसा नहीं है कि H2 को हम आइडियल बोल दिए तो H2 हमेशा आइडियल रहेगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आइडियल रहेगा, कंडीशन चेंज होगा उसका आइडियल बिहेवियर लूज कर जाएगा, अब वो कुछ और ही करने लगेगा, कुछ और ही करने लगेगा, मतलब पीवी बाई एनआरटी उसका बन नहीं रह जाएगा, पीवी बाई एनआरटी बन नहीं रह जाएगा, मतलब हम तो किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेते हैं, ये इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो गैस
आइडियल बिहेवियर शो करता है। जैसे किसी भी बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं हम, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा, हकीकत तो ऐसा नहीं है। चलो, क्या क्या बोला अभी तक हमने? हमने ये बोला किसी भी वेसल में गैस है, गैस ए, उसका पीवी बाई एनआरटी निकालो, वो वैल्यू 1 है। इसका मतलब इस पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में, पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन मतलब इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे, इस वॉल्यूम पे ये गैस आइडियल, मतलब इस कंडीशन में थोड़ा बहुत प्रेशर ज्यादा कम करोगे, टेम्परेचर ज्यादा कम करोगे तो तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होल्ड करेगा क्योंकि पीवी बाई एनआरटी का वैल्यू 1 है। उसी गैस को दूसरे कंडीशन में ले जाओ, उस केस में अगर पीवी बाई एनआरटी 1 नहीं आता है, इसका मतलब अब ये गैस इस पार्टिकुलर कंडीशन में रियल गैस है, इसका बिहेवियर आइडियल नहीं है। इस कंडीशन में हम पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएं घटाएं तो इस नए कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी हम नहीं लगा सकते। ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई गैस ले लो, ये दूसरा सिलेंडर है, इसके अंदर कोई गैस है, ये गैस ए है और ये गैस बी है, यहां का प्रेशर कुछ है, यहां का प्रेशर भी यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम V2 है, मोल यहां पे N1 है, मोल N2 है, T1 है और यहां पे T2 है ना। या फिर एक काम करते हैं, दोनों का टी सेम रख देते हैं, टी दोनों का सेम। अब तुमसे पूछा जा रहा है इस पार्टिकुलर कंडीशन में गैस ए आइडियल है कि नहीं है, क्या करोगे? P1V1 upon nRT, N1 RT करोगे और ये वैल्यू अगर 1 आ गया मतलब ये गैस आइडियल है। P2V2 upon N2 RT करो, ये वैल्यू अगर 1 आ गया, इसका मतलब है 1 आ गया मतलब ये भी आइडियल है और 1 नहीं आया मतलब रियल है। चलो समझा इस बात को, मतलब इस पार्टिकुलर कंडीशन में ए आइडियल है कि नहीं, बी आइडियल है कि नहीं, ऐसे ही चेक। अब जैसे स्टूडेंट्स होता है, कुछ स्टूडेंट होता है कि आइडियल होता है, मतलब आइडियल तो कोई नहीं होता है, आइडियल होने का मतलब ये हुआ कुछ ज्यादातर कंडीशन में आइडियल ही रहता है, कोचिंग में है तो पढ़ेगा, घर पे भी है तो पढ़ेगा ज्यादातर केसेस में, मतलब कुछ केसेस में कि कोई नहीं है घर पे तब टीवी चला के देख रहा, बट कोई भी है, बड़ा भाई बहन मम्मी पापा कोई भी है तो पढ़ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि ज्यादातर केसेस में आइडियल है और क्या। हाँ, तेजस्वी है इसका एग्जाम्पल, नहीं कुछ है कि वो भी आइडियल है लेकिन कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में आइडियल है, मतलब पापा को बैठा दो, मम्मी को बैठा दो, टीचर को भी बैठा दो तब वो आइडियल बनेगा, अदरवाइज आइडियल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन गैस। तो हम आगे ये भी देखेंगे कौन सा गैस आइडियलिटी के ज्यादा करीब होता है, मतलब ज्यादा कंडीशन में आइडियल होता है, और कौन सा गैस ज्यादातर कंडीशन में आइडियल नहीं होता है। पूरी केमिस्ट्री में जहां भी गैस को हैंडल करना होगा,
हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही हैंडल करेंगे, मतलब ये मान के चलेंगे हम कि गैस आइडियल है, जब तक कि क्वेश्चन में लिख न दे कि ये गैस रियल है। रियल है, अगर रियल है तो उसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो फिर वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि पीवी और एनआरटी का रेशियो उस केस में तो वन होता ही नहीं, तो आइडियल के केस में ये फार्मूला नहीं चलेगा। तो फिर इस फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, कुछ करेक्शन करके नया फार्मूला लाना पड़ेगा, और वो जो नया फार्मूला होगा वो रेंज को बढ़ा देगा, रेंज को बढ़ा देगा, मतलब ये भी कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में तो सारे गैस के लिए होल्ड करता ही है ना। अब जो नया फार्मूला आएगा उस रेंज को बढ़ा देगा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर रेंज में वो फार्मूला काम करेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी का रेंज छोटा है, मतलब हम नया फार्मूला भी लाएंगे वो फार्मूला भी यूनिवर्सली हमेशा हर कंडीशन में ट्रू हो ऐसा नहीं, जिसको बोलते हैं हम वैन डर वाल इक्वेशन, वो उसका भी लिमिटेशंस है, लेकिन उसका लिमिटेशंस पीवी इक्वल टू एनआरटी से कम है, मतलब उसका रेंज पीवी इक्वल टू एनआरटी से बड़ा है। कोई भी डाउट होगा कहीं पे बोलोगे सर। सर बोल रहा ना, बोल लो भाई। सर कंप्रेसिबिलिटी, अब हमको बोलने दो सर। ये वेंडर वॉल नाम से सर रेडियस भी है, इक्वेशन भी है, गैस भी है, फोर्स भी है। हाँ तो न्यूटन्स का कितना चीज नहीं है, नहीं है तो है, इसमें कौन सी बात हो गई। हाँ इतना ज्ञानी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं बहुत कुछ है, म्यूजियम है, रोड है, पता नहीं और भी कितना चीज है ना सर। रोड का नाम छोड़ने याद करना होता है, इसको क्या ईर्ष्या हो रहा है कि तुम्हारे नाम पे क्या नहीं है, इसको यही दिक्कत है, यही दिक्कत हमको लग रहा है। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा था, एक और राणा बोल रहा था कुछ। सर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो जो सर जी इक्वल्स टू वी रियल बाय वी आइडियल लिखे थे ना सर, उसके बाद इसको समझाने के लिए बोल रहा है ये। हाँ सर उसके बाद ज्वाइन किए थे तो। अरे ये सब नहीं समझा रहे। अच्छा तुम आया, तुम कितना स्टूडेंट है अभी, 17 स्टूडेंट है ना, ऑलमोस्ट 17 आ गया था जब स्टार्ट किए थे। तुम ये समझ रहे ना कि पीवी वाई एनआरटी जिसके लिए वन होगा वो आइडियल, और जिसके लिए वन नहीं होगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पीवी बाई एनआरटी है इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसी को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यही है और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब ये जो जेड है, ये जेड का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जेड का वैल्यू हो सकता है वन या वन नहीं, मतलब जेड का तीन वैल्यू पॉसिबल है। जेड का वैल्यू हो सकता है वन, जेड का वैल्यू हो सकता है, ये इस केस में आइडियल गैस आइडियल कहलाएगा, जेड का वैल्यू बड़ा हो सकता है वन से, इस केस में गैस रियल कहलाएगा, जेड का वैल्यू छोटा हो सकता है वन से, इस केस में भी गैस रियल कहलाएगा, ठीक है। अब ये वी रियल वाई वी आइडियल क्या है समझना, एक काम करते हैं हम, करते क्या है एक सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, पिस्टन यहां पे रुका हुआ, इसका वॉल्यूम हम मेजर किए, इसके अंदर गैस है, इसका वॉल्यूम मेजर किए, वॉल्यूम मेजर किए मतलब कोई फॉर्मूला से नहीं, वॉल्यूम बता सकते हैं ना भाई,
मतलब ये बाय द वे इसके वॉल पे लिखा रहे 1 ml 2 ml 3 ml ऐसा कुछ लिखा रहे, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा? अच्छा, इसके अंदर बाय द वे n मोल गैस है, n मोल गैस है, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो जाए? जो भी वॉल्यूम रहेगा दैट डिवाइडेड बाय n, ये होगा, बोलो अनिकेत। हाँ सर। होगा यार, एक काम करते हैं, अंदर में एक मोल ही गैस रखते हैं, इसके अंदर एक मोल ही गैस रखते हैं। अब देख, अब तुम क्या करो, इसका जो वॉल्यूम मेजर किए, ये जो वॉल्यूम मेजर किए, ये क्या है? ये तो एक्चुअल वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है बाय द वे भी रियल। अब देखो दूसरा काम तुम क्या किए, कि इसके अंदर प्रेशर मेजर किए तो पी प्रेशर आया, टेम्परेचर टी है बाय द वे, और मोल ऑफ गैस एन है, चलो हम एन मोल ले लेते हैं, एक मोल नहीं लेते हैं, एन है। अब ये पी टी एन, इस तीनों के हेल्प से भी तुम भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? इस तीनों के हेल्प से भी कैसे निकालोगे? एन आर टी अपॉन पी निकालोगे? यस सर। तो ये जो वॉल्यूम आएगा इसको हम आइडियल वॉल्यूम बोलेंगे। क्यों आइडियल वॉल्यूम बोलेंगे? क्योंकि ये वॉल्यूम हम फार्मूला लगा के निकाले हैं। कौन सा फार्मूला लगा के निकाले हैं? आइडियल गैस का फार्मूला लगा के निकाले हैं, है ना? तो अब अच्छा, अब तुम बोलेगा तो क्या सर ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम नहीं आएगा? अगर हर केस में सेम ही आ जाता तो फिर पीवी बाई एनआरटी, ये दोनों का रेशियो तो हमेशा बनाना था। दिक्कत हो रहा है, देखो करना क्या है तुमको, तुम भी रियल निकाल लो। भी रियल कैसे निकाले? वेसल का मेजरमेंट करके। और भी आइडियल कैसे निकलेगा? फॉर्मूला के हेल्प से, आइडियल गैस के फॉर्मूला के हेल्प से, है ना? और भी रियल वाई भी आइडियल कर, ये वैल्यू वन भी हो सकता है, वन से अलग भी हो सकता है। वन कब होगा? इसका रेशियो वन भी हो सकता है, वन से अलग भी हो सकता है। वन कब होगा? जब इसके अंदर ये इसको मेजर करके वॉल्यूम निकालो या फार्मूला से निकालो, दोनों क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा, तो जेड का वैल्यू वन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वेसल का वॉल्यूम और फार्मूला से जो वॉल्यूम आया ये सेम ना आए, ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये कम आ जाए इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जेड का वैल्यू वन से छोटा भी आ सकता है, वन से बड़ा भी आ सकता है, वन भी आ सकता है। वन जब आएगा तो बोलेंगे गैस आइडियल है, वन से बड़ा या छोटा आएगा तो बोलेंगे गैस इस पर्टिकुलर कंडीशन में रियल है। कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो हर कंडीशन में आइडियल हो, जैसे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो हर कंडीशन में आइडियल हो। अब ऐसा होता क्यों है? मतलब पीवी बाई एनआरटी का वैल्यू वन हो गया तो आइडियल, वन ना हुआ तो रियल। लेकिन सर वन ना क्यों होता है? वन तो होना चाहिए क्योंकि पीवी और एनआरटी में रिलेशन कहां से आया था? कहां से पीवी इक्वल टू एनआरटी आया था?
अच्छा अमृत राज आजकल नहीं है क्या? अमृत राज सर नहीं है सर, इतना दिन से नहीं है। नहीं अमृत तो है सर, वही है सर अमृत। क्या क्या सर? वही है सर, अमृत ही है, अमृत राज ही है वो। अच्छा 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 अमृत राज। क्या? हाँ ठीक ठीक, हमको लगा बहुत दिन से तुमसे हम पूछे नहीं है कुछ, तुम बोलता नहीं है, इसलिए हम सोचे आज खबर ले लें तुम्हारा। चलो सर, चलो ठीक है। देखो आज हम क्लास नहीं ले रहे थे, उस समय भी मेरे दिमाग में था बहुत दिन से अमृत का हम उससे पूछे नहीं है कुछ। चलो देखो इधर, तो मतलब ये पीवी बाई एनआरटी का वैल्यू वन नहीं कब आएगा, क्योंकि हम तो पीवी इक्वल टू एनआरटी निकाले हैं, फार्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी लाए हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी फार्मूला डेराइव किए थे। किससे ये फार्मूला आया है पहले ये बताओ, ये फार्मूला आया कहां से? वो जो सर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ था पहले, तो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ से आया था, लेकिन फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे भी ये फार्मूला प्रूफ किया गया है। हाँ सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसिक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सब कुछ प्रूफ किया गया है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आया कहां से है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी यहां वैलिड नहीं है, क्योंकि ये वैलिड होता तो पीवी बाई एनआरटी का वैल्यू क्या आता? बन आता हमेशा, लेकिन बन नहीं आ रहा है बहुत केसेस में। इसका मतलब ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला मतलब पार्टिकुलर कंडीशन में गलत है, तो ये फार्मूला गलत है। तो ये फार्मूला गलत तभी हो सकता है जब इस फार्मूला बनाने के पीछे जो एजम्पशंस रहा होगा वो गलत रहा होगा। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एजम्पशंस है उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण ये जो फार्मूला बना है ये हर केसेस में सही नहीं हो रहा, समझ रहे हो? मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो एजम्पशंस है उसमें कुछ लोचा है। तो उसमें तो लोचा था ही नहीं, कौन सा लोचा? उसका सारा एजम्पशंस क्या सही है? उसका दो एजम्पशंस गलत है। कौन सा एजम्पशंस? किसी भी वेसल में कोई गैस रखे हो, किसी भी वेसल में गैस है, तो इस गैस मॉलिक्यूल, ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, ध्यान देना, इस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, हम गैस का वॉल्यूम नहीं बोल रहे हैं, ये इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ये सब का वॉल्यूम को अगर जोड़ोगे तो ये वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या मान लिए थे हम? बोलो, निग्लेजेबल माने थे ना, निग्लेजेबल। और ये मान के ना ये फार्मूला डिराइव किया गया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी सही होगा कब? जब गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रियली में निग्लिजिबल हो। जब गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल नहीं होगा, वैसे केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड नहीं हो। समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर पर स्टार्टिंग में जो लॉ आया था वो तो एक्सपेरिमेंटल था, बिल्कुल। अच्छा तेजस्वी बोल रहा है कि सर जो स्टार्टिंग में लॉ आया था वो तो एक्सपेरिमेंटल था, बट एक चीज बताओ तेजस्वी, वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा? हर प्रेशर, हर टेम्परेचर, हर प्रेशर टेम्परेचर रेंज में तो नहीं ना करके देखा होगा? यस सर। है ना? तो अब देख,
और एक चीज बताते हैं, एनसीईआरटी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप मेरे पढ़ाने के बाद गैसेस स्टेट को पढ़ के देखना तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलेगा। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट था, एजम्पशंस था कि मोलेक्यूल का अपना वॉल्यूम वेसल के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल होता है, और वही एजम्पशंस के बेसिस पे पीवी इक्वल टू एनआरटी डिराइव किया गया था। हमने डिराइव नहीं किया था, हम डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन बोले थे किसी से डिराइव होके आता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी उस एजम्पशंस के बेसिस पे आया है। अगर वो एजम्पशंस ही गलत है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी गलत। तो वो एजम्पशंस कब गलत होगा? जब मोलेक्यूल का वॉल्यूम वेसल के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल नहीं होगा। मोलेक्यूल का वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल कब नहीं होगा? जब छोटा सा मोलेक्यूल, छोटा सा वेसल में ढेर सारा गैस मोलेक्यूल रख देते। ये क्या बात हो गया? देखो, ध्यान देना, इसके अंदर गैस मोलेक्यूल, बताओ ये गैस मोलेक्यूल का वॉल्यूम निकालो इस वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल है? यस सर, है ना। अब जरा गौर करो, इसके ऊपर 25 केजी का वेट रख दो तो ऐसे केस में क्या होगा? पिस्टन कहाँ चल जाएगा? यहां चल जाएगा। ऐसे केस में बताओ क्या मोलेक्यूल का वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल है? नहीं है, नहीं है। यहां पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, और यहां पे क्या है? लो प्रेशर। मतलब लो प्रेशर रेंज में इग्नोरेबल है और हाई प्रेशर रेंज में इग्नोरेबल नहीं है। मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लो प्रेशर में वैलिड है बट हाई प्रेशर में वैलिड नहीं है। मतलब लो प्रेशर में गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह और हाई प्रेशर पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? फटाफट इसका स्क्रीन शॉट लो क्योंकि ये स्टार्ट होगा 2 मिनट में। अच्छा, एक और एजम्पशंस था जो गलत था। कौन से एजम्पशंस? एक तो था कि देखो ये भी बोलना सही नहीं है कि गलत था, इनफैक्ट पार्टिकुलर कंडीशन में तो सही ही था ना, हमेशा सही नहीं। दूसरा एक पोस्टुलेट था जिसमें ये था कि गैस मॉलिक्यूल के रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं नहीं नहीं, गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगाता, ये था ना। लेकिन होता क्या है, जब बड़ा वेसल में थोड़ा सा गैस होगा तो ये गैस मोलेक्यूल काफी दूर दूर होगा जिसके कारण इसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हाई प्रेशर पे रखोगे, हाई प्रेशर मतलब छोटे से जगह पे ढेर सारे गैस मोलेक्यूल को, तो वैसे केस में गैस मोलेक्यूल नियर बाई आ जाता है जिसके कारण इसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग में पड़े थे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो अब तो अट्रैक्शन काम करने लगे तो इस केस में तो और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकला हुआ फार्मूला काम नहीं करना चाहिए। मतलब फिर से वही बात हो गया, हाई प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी काम नहीं करेगा। रीस्टार्ट होगा तो सेम आईडी से लॉग इन करोगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉग इन होने में, 2 मिनट या 1 मिनट लग सकता है या 3 मिनट लग सकता है क्योंकि इसको हम रिकॉर्डिंग में डाले हैं तो वो
फाइल को चेंज करता है।